हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शिवम अग्रवाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस पर। वी आर कंटिन्यूइंग अवर लेक्चर सीरीज ऑफ सॉलिड स्टेट एंड दिस इज 13th लेक्चर ऑफ अवर लेक्चर सीरीज सॉलिड स्टेट। देखिए, इस लेक्चर का नाम है हमारा एग्ज़ाम डोज फॉर सॉलिड स्टेट। तो देखिए, इस लेक्चर में हमें क्या करना है कि ये एग्ज़ाम डोज जो है इसको समझना है कि एग्ज़ाम डोज है क्या। ये जितना भी आपको मैंने चैप्टर पढ़ाया है, क्वेश्चंस कराए हैं, उन सब का समराइज करके मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया है सब कुछ। मतलब पूरा चैप्टर इस बोर्ड पे लिखा हुआ है, आपको आधे घंटे में बिल्कुल पूरा चैप्टर करा दूंगा मैं। लेकिन ये जो एग्ज़ाम डोज है सिर्फ आपके रिविज़न में ही काम आने वाली है। ऐसा होता है जब हमारा एग्ज़ाम होता है वहाँ पर एक या दो दिन की हमें प्रिपरेशन लीव मिलती है, इतने सारे चैप्टर्स होते हैं करने के लिए, तो फिर पूरे तरीके से उसको हम नहीं कर पाते और बहुत सारी चीज़ें हम एग्ज़ाम में जाके भूल जाते हैं। तो उस चीज़ के लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए एग्ज़ाम डोज डिज़ाइन किया है, जिससे आपको पूरा चैप्टर आधे घंटे में ही आप कवर कर पाएँ। लेकिन ये एग्ज़ाम डोज तभी इफ़ेक्टिव होगा जब आपका चैप्टर पूरी तरीके से पहले से पढ़ा हुआ होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ये एग्ज़ाम डोज सिर्फ आप रिवीजन के तौर पर ले सकते हैं, ना कि पूरे चैप्टर को आधे घंटे में कवर किया जा सकता है इस एग्ज़ाम डोज के थ्रू। तो इस एग्ज़ाम डोज को आप रिवीजन के तौर पर लेंगे, ना कि आप अगर ये सोचें कि इस आधे घंटे में हम एग्ज़ाम डोज को करके पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे, सब कुछ हमारा चैप्टर हो जाएगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये पॉसिबल नहीं है, आपका एक भी नंबर नहीं आएगा ऐसे। आपके अगर पूरे चैप्टर तैयार है, पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो ये आपका एग्ज़ाम डोज की जो वीडियो है रामबाण है। वरना अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, चैप्टर पहले से तैयार नहीं है, तो एग्ज़ाम डोज आपके लिए बिल्कुल भी एडवांटेज नहीं दे के जाएगा। तो इस एग्ज़ाम डोज का मैंने जो भी डाटा है पूरे चैप्टर का यहाँ बोर्ड पे लिख दिया है। अगर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये जो फ़ोटो है, इसका जो पूरा डाटा लिखा है, इसका फ़ोटो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हैं इसका फ़ोटो। मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, या फिर उससे पहले हमने पढ़ा था सॉलिड की जनरल प्रॉपर्टीज़। जनरल प्रॉपर्टीज़ में हमने सॉलिड में क्या पढ़ा था कि सॉलिड हमारा कैसा होता है, रिजिड होता है। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था कि सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। थर्ड पॉइंट पढ़ा था जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड में, उनके बीच में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस जो होता है वो ज़्यादा नहीं होता है, बिल्कुल पास पास चिपके हुए होते हैं, और फोर्सेस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से सॉलिड हमारा रिजिड होता है और सॉलिड के पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पे फिक्स रहते हैं, ऑसिलेट करते रहते हैं अपनी ही पोजीशन पे, इधर उधर मूव नहीं करते हैं। तो ये थी हमारी सॉलिड की जनरल प्रॉपर्टीज़। उसके बाद हमने देखा था कि सॉलिड को हमने दो पार्ट्स में क्लासीफाइड किया था, फर्स्ट वन इज़ अमॉर्फस एंड द सेकेंड वन इज़ क्रिस्टलाइन। तो हमने अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड का हमने डिफरेंस भी पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारा अमॉर्फस सॉलिड होता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इररेगुलर मैनर में अरेंज होते हैं, कोई उनका पैटर्न नहीं होता, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो रेगुलर मैनर में अरेंज रहते हैं, एक पैटर्न में अरेंज रहते हैं। इसी वजह से क्रिस्टलाइन सॉलिड का हमारा रेंज ऑर्डर क्या होता है, लॉन्ग होता है। अमॉर्फस सॉलिड का रेंज ऑर्डर हमारा क्या होता है, स्मॉल होता है। और सेकंड पॉइंट हमने फिर क्या पढ़ा था अमॉर्फस सॉलिड में, कि ये हमारे स्यूडो सॉलिड होते हैं। स्यूडो मतलब नकली सॉलिड, जैसे कि हमारा ग्लास। देखो, ग्लास की टेंडेंसी होती है वो फ्लो होता है, बहुत स्लोली फ्लो होता है। तो भाई सॉलिड तो इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, तो इस वजह से इनको फेक सॉलिड या फिर स्यूडो सॉलिड कहा जाता है, जबकि हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो हमारे ट्रू सॉलिड होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, जो अमॉर्फस सॉलिड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है, जबकि एक वो रेंज ऑर्डर को फॉलो करता है। और क्रिस्टलाइन में क्या पढ़ा था कि इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है हमारा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर अमॉर्फस सॉलिड को हमें शार्प एस टूल से हम उसको कट कर दें, तो वो दो इररेगुलर सरफेसेस में हमारा कट होगा, ना कि रेगुलर में। और अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम शार्प एस टूल जैसे कि नाइफ से कट करें, तो वो बिल्कुल रेगुलर सरफेसेस में कट होगा, स्मूथ सरफेसेस होंगी उसकी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा अमॉर्फस सॉलिड होता है, अमॉर्फस सॉलिड कौन से नेचर का होता है, आइसोट्रॉपिक नेचर का होता है। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारा
कौन सा होता है? एनिसियोट्रॉपिक नेचर का होता है। आइसोट्रॉपिक और एनिसियोट्रॉपिक नेचर क्या होते हैं? आइसोट्रॉपिक नेचर मतलब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में निकाल लो वो सेम रहेगी। और हमारा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होती हैं, इस नेचर को क्या बोलते हैं हम? एनिसियोट्रॉपिक नेचर। तो ये थी हमारी अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन के बाद। अमॉर्फस सॉलिड के हमारे एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? ये होते हैं हमारा प्लास्टिक हो गया, उसके बाद हमारा ग्लास हो गया, या कोई भी हमारा पॉलीमर जैसे कि हमारा टेफ्लोन हो गया, पॉलीथीन हो गया। ये हमारा किसके एग्जाम्पल हो गए? अमॉर्फस के। और क्रिस्टलाइन के तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जैसे कि हमारा I2 हो गया, NaCl हो गया, CaCl हो गया, KCl हो गया, बहुत सारे जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये हमारे किस में आते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड में। उसके बाद हमने क्या देखा था? क्रिस्टलाइन सॉलिड को फर्दर हमने क्लासीफाई किया था। क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे 4 पार्ट्स में क्लासीफाई होते थे। फर्स्ट वन इज़ आयनिक, सेकेंड वन इज़ मॉलिकुलर, थर्ड वन इज़ मेटलिक, एंड द फोर्थ वन इज़ कोवलेंट। तो जो आयनिक हमारे सॉलिड होते थे, इनमें कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स क्या होते थे? आयन्स होते थे, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स। और इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता था वो कौन सा होता था? इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता था? इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसके बाद जो हमारे मॉलिकुलर सॉलिड होते थे, मॉलिक्यूल से ही पता चल रहा है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे इसमें कौन से होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। मॉलिकुलर सॉलिड हमारे फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते थे, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। पोलर मतलब उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पोल क्रिएट करते थे, मींस उनके जो एटम हैं, दो एटम अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिव, अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के होंगे, तो वहाँ पर क्या होगा? पोल बनेंगे दो, जिनको हम बोलेंगे डाइपोल। तो इस तरीके के मॉलिक्यूल जो बनाएंगे वो हमारे पोलर मॉलिकुलर सॉलिड बनाएंगे। और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पोलर वालों के, वो होता है हमारा डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। कौन सा होता है? डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। उसके बाद बात आती है हमारी नॉन पोलर की। नॉन पोलर होते हैं हमारे जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो एटम के बीच में ज़्यादा ना हो, वो होते हैं हमारे नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, जैसे कि हमारा I2 हो गया, S2 हो गया, ये हमारे होते हैं नॉन पोलर सॉलिड। और इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वीक फोर्स होता है, जिसको हम बोलते हैं लंदन फोर्स, या फिर कौन सा फोर्स? लंदन फोर्स या फिर डिस्पर्जन फोर्स। उसके बाद आते हैं हमारे हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड कौन से होते हैं? जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डेड बॉन्डिंग होती है हमारी, उनको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। तो इनके बीच में हमारा कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यही हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसका एग्जांपल हो गया हमारा H2O आइस फॉर्म में, मतलब सॉलिड फॉर्म में, तो इसका एग्जांपल ये होता है हमारा। उसके बाद आती है हमारी, अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारी किस में होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अगर हाइड्रोजन हमारा फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से ऐड हो, अटैच हो, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। ट्रिक क्या होती है इसकी, हाइड्रोजन की? हाइड्रोजन अगर हमारा किससे जुड़ा हो? फोन से। किससे ऐड हो रहा हो? हमारा फोन, जो हमारा फोन होता है ना, फोन से अगर हमारा कनेक्ट हो रहा हो हाइड्रोजन, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद आती है मेटलिक सॉलिड की। मेटलिक सॉलिड में कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? हमारे मेटल, जैसे कि हमारा कॉपर हो गया, आयरन हो गया, इनसे बने हुए सॉलिड हमारे क्या होते हैं? मेटलिक सॉलिड। इनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? कौन सी बॉन्डिंग होती है? मेटलिक बॉन्डिंग होती है, ठीक है। उसके बाद बात आती है कोवलेंट सॉलिड की। इनको हम कोवलेंट सॉलिड को नेटवर्क सॉलिड भी बोल देते हैं, क्योंकि ये एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। तो जो कोवलेंट सॉलिड होते हैं वो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनता है, कोवलेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये होते हैं हमारे कोवलेंट सॉलिड। ज़्यादातर कौन बनाता है? कार्बन ग्रुप की जो फैमिली होती है, कार्बन सिलिकॉन वाली फैमिली जो होती है, वो हमारे कौन से सॉलिड क्रिएट करती है? कोवलेंट सॉलिड। इसके एग्जाम्पल आपका सिलिकॉन हो गया, हमारा SCI हो गया, CIS हो गया, कार्बन सिलिकेट, और उसके बाद हमारा कार्बन के एलिट्रॉप जैसे कि हमारा डायमंड है, ग्रेफाइट है, ये भी सब किसके एग्जाम्पल है? हमारे कोवलेंट सॉलिड के। यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड कंप्लीट कर लिया है बिल्कुल। उसके बाद आता है, हमने नेक्स्ट पढ़ा था 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़ा था हमने। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम में मैंने आपको ट्रिक बताई थी 7 क्रिस्टल सिस्टम को याद करने की। 7 क्रिस्टल सिस्टम को याद करने की जो ट्रिक थी वो थी हमारी क्यूट अवर मदर। क्या ट्रिक थी हमारी? क्यूट अवर मदर। CU मतलब क्यूबिक, TE मतलब टेट्रागोनल, OUR मतलब ऑर्थोरॉम्बिक, और MO मतलब मोनोक्लिनिक, T मतलब ट्राइक्लिनिक, HE मतलब हेक्सागोनल,
आर मतलब रोम्बोहेड्रल। तो ये हमारा 7 क्रिस्टल सिस्टम था। उसके बाद मैंने आपको बताया था जो हमारी एक्सियल लेंथ है, एक्सियल लेंथ मतलब ए बी सी, इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करने की मैंने ट्रिक बताई थी 0 1 2, ऊपर से भी 0 1 2 और नीचे से भी 0 1 2। 0 मतलब ये क्या है, हमारा कट है, मतलब ए 0 मतलब एक भी कट नहीं है, मतलब ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी है। 1 मतलब एक कट है उसमें, मतलब ए इज इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी है। 2 मतलब दो कट है उसमें, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी। 2 मतलब दो कट है उसमें, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी। इसी तरीके से हम नीचे से करेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो हमारा 7 क्रिस्टल सिस्टम होता है उसमें मोस्ट सिमेट्रिक एलिमेंट कौन सा होता है, क्यूबिक, मतलब ए बी सी इक्वल होंगे, वो भी 90 के, अल्फा ए बी सी इक्वल होंगे, सॉरी 90 के नहीं, आपस में इक्वल होंगे, और अल्फा बीटा गामा इक्वल होंगे, वो भी 90 के। तो ये हमारा होता है मोस्ट सिमेट्रिक। उसके बाद जो हमारा लीस्ट सिमेट्रिक होता है वो होता है हमारा ट्राइक्लिनिक, मतलब ए बी सी तीनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी इज़ नॉट इक्वल्स टू सी, और अल्फा बीटा गामा भी तीनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, अल्फा इज़ नॉट इक्वल्स टू बीटा इज़ नॉट इक्वल्स टू गामा इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, और वो 90 डिग्री के भी इक्वल नहीं होंगे। उसके बाद जो है हमारा इंटरफेशियल एंगल की जो ट्रिक थी वो थी हमारी, फर्स्ट तीन तो हमारे आपस में इक्वल होते हैं, वो भी 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, और बाद के जो थे हमारे 4 बचे थे उसमें हम इस तरीके से याद किया था कि जो हमारा ये होता है हमारा ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक में तो क्या होता है, अल्फा इज़ नॉट इक्वल्स टू बीटा इज़ नॉट इक्वल्स टू गामा इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, फोर्थ ऐसे याद किया था। फिर लास्ट वाला जो होता है हमारा रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल में क्या था कि तीनों हमारे इक्वल तो होते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा, लेकिन वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते। बचे दो वो हमें याद करने पड़ेंगे, तो सिर्फ दो ही याद करने हैं, बाकी की 5 की मैंने आपको ट्रिक बता दी। उसके बाद मैंने पढ़ा था कि ब्रेविस लेटिस जो हमारे 7 क्रिस्टल सिस्टम होता है, 7 क्रिस्टल सिस्टम में 14 अरेंजमेंट टोटल पॉसिबल होते हैं, ये हमारे ब्रेविस ने बताए थे, और इसकी ट्रिक थी हमारी 3242111, ये फ़ोन नंबर की तरह हमें याद करना था 3242111, ये हमारी ट्रिक थी। 3 मतलब क्यूबिक में कितना आएंगे, 3, उसके बाद हमारा टेट्रागोनल में हमारे कितना आएंगे, 2, उसके बाद हमारा ऑर्थोरोम्बिक में हमारे कितने आएंगे, 4, इस तरीके से हम याद कर सकते थे इसको। उसके बाद हमने पढ़ा था क्रिस्टल लेटिस ने क्या पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अगर हम 3D में अरेंज करें एक स्पेस में वो क्या कहलाता है, हमारा क्रिस्टल लेटिस कहलाता है। अब क्रिस्टल लेटिस में जो 3D में सबसे स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट होगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, उसको क्या बोलेंगे हम, यूनिट सेल। अब फिर हमने फर्दर पढ़ा था कि यूनिट सेल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 तरीके से क्लासिफाइड करते हैं, 1 इज प्रिमिटिव एंड द सेकेंड 1 इज नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्या होता है, हमारा बिल्कुल सिंपल क्यूबिक, जो हमारा सिंपल होता है बिल्कुल यूनिट सेल, सिंपल वाला यूनिट सेल, उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। ये हमारा जो यूनिट सेल है, सिंपल यूनिट सेल जो है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल, या फिर सिंपल यूनिट सेल, या फिर शॉर्ट में इसको बोल सकते हैं SCC। उसके बाद जो हमारा नॉन प्रिमिटिव है, नॉन प्रिमिटिव 3 पार्ट्स में हमारा क्लासिफाई हुआ था, ECC मतलब एंड सेंटर्ड क्यूबिक, BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, FCC मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो ये हमारा 3 पार्ट्स में क्लासिफाई हुआ था। तो इसको कैसे हम समझ सकते हैं, इसको हमने समझा था BCC मतलब क्या होता है कि हमारा जो सिंपल यूनिट सेल है उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, बॉडी के सेंटर में एक एटम डाल दो तो वो हो जाएगा हमारा BCC बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड मतलब जो ये 6 फेसेस हैं इन 6 फेसेस के सेंटर में, यहाँ पर सेंटर में एक एटम रख दो, एक एक एटम इनके सेंटर में रखा जाएगा तो वो हो जाएगा हमारा फेस सेंटर्ड। और उसके बाद एंड सेंटर्ड हमने पढ़ा था जो हमारे अपोजिट फेसेस होते हैं, इनमें इनके सेंटर में एक एटम यहाँ और एक एटम यहाँ अगर रख दें तो एंड सेंटर्ड हो जाएगा ये, फिर अपोजिट फेसेस हम ये वाले भी ले सकते हैं, ये वाला और ये वाला, इसके सेंटर में रख दो और इसके सेंटर में रख दो तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एंड सेंटर्ड क्यूबिक। इसके लिए जेड हमने पढ़ा था, जेड मतलब जो हमारा एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन या फिर नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल, जेड की वैल्यू क्या थी सिंपल क्यूबिक के लिए जब हमने निकाली थी, 1 आई थी, एंड सेंटर्ड के लिए हमारी कितनी आई थी, 2, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए आई थी हमारी 2, फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए आई थी हमारी 4।
अब देखिए ये जो एंड सेंटर्ड है, एंड सेंटर्ड आपके सिलेबस में सिर्फ इतना है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि एंड सेंटर्ड हमारा ये होता है, मतलब सिंपल क्यूबिक में सिंपल क्यूबिक लेंगे और अपोजिट फेस पे एटम रख देंगे, उसके सेंटर में ये होगा हमारा एंड सेंटर्ड। उसके बाद इसकी जेड की वैल्यू या और कोई डाटा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको कैसे याद रखेंगे जेड को, सिंपल क्यूबिक बी सी सी और एफ सी सी का क्या होता है 1, 2, 4, और इसकी ट्रिक से याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या है हमारी 1, 2 का 4, ट्रिक क्या है हमारी 1, 2 का 4, इस तरीके से जेड हम याद कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन क्या था, मतलब कितने हमारे जो यूनिट सेल है उसमें एटम हमारे कितनी अच्छी तरीके से, कितनी एफिशिएंटली उसमें अरेंज हो सकते हैं जिससे हमारा कम से कम वॉइड बचे और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल उसमें आ सकें। तो ये होता है हमारा पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ टोटल स्फेयर, मतलब कितने स्फेयर हैं उनका वॉल्यूम, अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब या फिर यूनिट सेल, यूनिट सेल के वॉल्यूम से उसको डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर परसेंटेज में हमें निकालना है। तो देखिए जब हमने पैकिंग फ्रैक्शन निकाला था तो हमारा सिंपल क्यूबिक के लिए पैकिंग फ्रैक्शन आया था हमारा 54.4, और हमारा जो बी सी सी के लिए पैकिंग फ्रैक्शन आया था वो आया था हमारा 68%, एफ सी सी के लिए आया था हमारा 74%। ये कैसे याद रख सकते हैं, 52 है हमारा, मान लीजिए 4 को भूल जाइए, 52 है हमारा, 52 में अगर हम 16 ऐड कर दें तो 68 आ जाएगा और 8 ऐड कर दें तो 74 आ जाएगा। तो हमें सिर्फ एक याद करना है, 52 प्लस 16 और प्लस 8 याद कर लो तो इस तरीके से हमारा ये भी निकल जाएगा। उसके बाद अगर मैं एंड सेंटर्ड क्यूबिक की बात करूँ तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ, इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है ECC का, ECC का पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, ECC का पैकिंग फ्रैक्शन होता है 37%। इसी तरीके से जैसे ये यूनिट सेल है ऐसे हमारे और भी यूनिट सेल होते हैं, जैसे कि हमारा होता है DCC डायमंड क्यूबिक क्लोज, डायमंड क्लोज क्यूबिक, ये होता है हमारा DCC, और इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन आता है DCC का पैकिंग फ्रैक्शन आता है हमारा 34%। और एक और होता है हमारा, वो होता है हमारा एज सेंटर्ड क्यूबिक, इसका जो हमारा पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो होता है 26.2%। कितना होता है 26.2%। इसको याद करने की भी मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको, इसको याद करने की ट्रिक ये होती है, देखिए अगर ये तीनों याद हो गए इन तीनों से ये तीनों निकल सकते हैं। कैसे, FCC का अगर हम हाफ करेंगे 74 का हाफ क्या हो जाएगा हमारा 37%, 68 का अगर हम हाफ करेंगे क्या हो जाएगा हमारा 34%, और 52.4 का हम हाफ करेंगे क्या हो जाएगा हमारा 26.2%। तो इसकी ट्रिक भी हमारी ये है। उसके बाद आता है हमारा डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल की हमने डेंसिटी निकाली थी जिसको हम डी से भी डिनोट कर सकते हैं, और डेंसिटी का स्पेसिफिक सिंबल होता है हमारा रो, क्या बोलते हैं इसको रो। तो रो जो होता है इसका फॉर्मूला होता है हमारा जेड इंटू एम अपॉन NA, मतलब एवोगैड्रो नंबर इंटू ए क्यूब। जेड क्या है हम हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ एटम, एम क्या है हमारा यहाँ पे मोलर मास, NA क्या है हमारा एवोगैड्रो नंबर जिसकी वैल्यू होती है 6.022 × 10⁻²³, और ए क्या है यहाँ पे हमारा एज लेंथ, क्या है हमारी एज लेंथ। तो इस फॉर्मूले को हम कैसे याद कर सकते हैं, इसकी भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या है हमारी, जमना, जेड एम जम एन ए ना, जम ना, और आ के डंडे के ऊपर क्यूब लगाना ना भूले वरना ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा। तो आ के ऊपर क्यूब है मतलब ए के ऊपर क्यूब है। उसके बाद हमने पढ़ा था, नेक्स्ट पढ़ा था हमने क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग मतलब कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स को हम कितने क्लोजली अरेंज कर सकते हैं, वो होती है हमारी क्लोज पैकिंग। तो क्लोज पैकिंग हमारी 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई होती है। फर्स्ट वन इज 1-डायमेंशनल, सेकेंड वन इज 2-डायमेंशनल, और थर्ड वन इज 3-डायमेंशनल। 1-डायमेंशनल में हमने पढ़ा था कि क्लोज पैकिंग में हमारे स्फेयर एटम्स जो हैं, एटम को हमने हार्ड स्फेयर कंसिडर कर लिए थे, और वो हार्ड स्फेयर एक ही लाइन में अरेंज हो सकते हैं 1D में, और उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 2। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि एक एटम से कितने स्फेयर अटैच हैं या फिर कितने नाइबरिंग स्फेयर हैं, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। और अगर 2D की बात करें, 2D में हमने 2 तरीके की क्लोज पैकिंग पढ़ी थी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या होती थी हमारी, कि जो हमारे स्फेयर अरेंज हैं एक रो और दूसरी रो जो अरेंज होगी बिल्कुल सेम पहली रो जैसी होगी, मतलब उसका ऊपर वाला स्फेयर और नीचे वाली दूसरी रो का स्फेयर आपस में बिल्कुल ऊपर नीचे होगा, इक्लिप्ड शेप में होगा, मतलब एक दूसरे के नीचे होंगे सारे स्फेयर्स, उनको हम बोलेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और उसमें हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था 4,
उसके बाद 2D में हमारी कौन सी आती है, हेक्सागनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागनल क्लोज पैकिंग मतलब एक रो तो हमने स्फेयर की लगा ली और दूसरी रो जो उसकी नीचे वाली लगाएंगे वो उसके डिप्रेशन में जाएगी। पहली वाली रो के जो दो स्फेयर के बीच में डिप्रेशन है तो नीचे सेकंड वाली रो का जो स्फेयर उसके डिप्रेशन में रखा जाएगा इस तरीके से। मान लीजिए ये हमारी रो है इस तरीके से फर्स्ट, और सेकंड रो का जो स्फेयर रखा जाएगा वो इसके डिप्रेशन में इस तरीके से रखा जाएगा। तो इस तरीके की पैकिंग को हम बोलते हैं हेक्सागनल क्लोज पैकिंग। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है हमारा, 6 होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था 3D मतलब थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग भी हमारी 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई होती है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCPV भी जिसको बोलते हैं। तो जो हमारा क्यूबिक क्लोज पैकिंग है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर पर इतना याद रखना है, उसको समझा मैंने आपको लेक्चर में दिया था, लेकिन याद क्या रखना है कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 12 होता है। फिर सेकंड टाइप की है हेक्सागनल क्लोज पैकिंग, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होता है हमारा 12 होता है, दोनों का ही 12 होता है। और क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो है इसको हम बोलते हैं ABC टाइप, मतलब ABC इस तरीके से तीन रो अलग अलग अरेंज होंगी। और हेक्सागनल क्लोज पैकिंग मतलब ABAB टाइप, AB फिर से रिपीट हो जाएगा अरेंजमेंट, AB फिर से रिपीट हो जाएगा अरेंजमेंट, AB इस तरीके से, इस तरीके की पैकिंग को बोलेंगे हम हेक्सागनल क्लोज पैकिंग। और अरेंजमेंट क्या है इसका, ABAB टाइप, और इसमें ये याद रखना है दोनों का ही कोऑर्डिनेशन नंबर 3D में क्या होता है हमारा 12 होता है। उसके बाद थ्री डायमेंशन में जब हमने हेक्सागनल लेयर के ऊपर एक और हेक्सागनल लेयर रखी थी तो हमारा कौन सा वॉइड बना था, वो बना था हमारा, दो तरीके के वॉइड बने थे हमारे, टेट्राहेड्रल वॉइड बने थे और ऑक्टाहेड्रल वॉइड बने थे। वॉइड क्या होते हैं, जो हमारा एम्प्टी स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं वॉइड। तो दो तरीके के वॉइड बने थे हमारे, टेट्राहेड्रल वॉइड बना था और ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना था। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड होता है वो कैसा होता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है वो कैसा होता है। और टेट्राहेड्रल वॉइड होता है हमारा तीन बॉल्स, और ये फोर्थ बॉल अगर मैं अटैच कर दूँ इस तरीके से, इसके बीच में जो हमारा वॉइड बनना है ये क्या होगा हमारा, टेट्राहेड्रल वॉइड। और अगर हमारी सिक्स बॉल के बीच में जो वॉइड बनना है, ये ट्रायंगल पीछे की तरफ, इसकी एपेक्स नीचे को है, ये ट्रायंगल आगे की तरफ, इसकी एपेक्स ऊपर को है, तो इनके बीच में जो हमारा वॉइड बनना है, यहाँ पे कहीं वॉइड बनना होगा इन 6 के 6 बॉल्स के बीच में, वो होगा हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड हमारा 4 बॉल से बनना था तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारा 6 बॉल से बनना था तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 6। एक हमने रिलेशन भी डेवलप किया था टेट्राहेड्रल वॉइड में और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, जब FCC के लिए निकाला था वो था हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड कितने आ रहे थे हमारे, डबल आ रहे थे ऑक्टाहेड्रल वॉइड के। उसके बाद एक मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, जो हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और जो उसके चारों तरफ स्फेयर होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की अगर मैं रेडियस स्मॉल r मानूं और जो चारों तरफ उसके स्फेयर होते हैं उसकी रेडियस में कैपिटल r मानूं, तो उनके बीच में जो रिलेशन हमने डेवलप किया था NCERT का क्वेश्चन था वो क्या था हमारा, स्मॉल r इज इक्वल्स टू 0.414 कैपिटल r। उसके बाद हमने पढ़े थे क्रिस्टल डिफेक्ट। क्रिस्टल डिफेक्ट मतलब कोई भी क्रिस्टल हमारा परफेक्ट नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, जैसे कि हमारा इंसान है ये एक यूनिवर्सल लॉ है, जैसे कि हमारा इंसान है वो कोई भी हमारा परफेक्ट नहीं होता, हर एक इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, तो इसी तरीके से हमारा ये लॉ क्रिस्टल में भी लागू होता है कि क्रिस्टल हमारा कोई भी परफेक्ट नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ कमियां होती ही हैं। तो क्रिस्टल डिफेक्ट हमारे फर्दर 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड हुए थे, नॉन स्टोइकोमेट्रिक और स्टोइकोमेट्रिक। नॉन स्टोइकोमेट्रिक में हमने क्या बताया था, नॉन स्टोइकोमेट्रिक में बताया था कि जो रेशियो है, रेशियो जो रहेगा हमारे एटम्स का एनायन और कटायन का, वो हमेशा सेम नहीं रहेगा, मतलब डिफेक्ट होने के बाद उसका रेशियो दूसरा हो सकता है, सेम नहीं रहेगा, लेकिन स्टोइकोमेट्रिक में डिफेक्ट के बाद रेशियो हमारा सेम रहता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, नॉन स्टोइकोमेट्रिक हमारा 2 कैटेगरी में क्लासीफाई होता है, मेटल एक्सिस और मेटल डेफिशिएंसी। मेटल एक्सिस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या होता है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट होता है कि हमारा मेटल एक्सिस में हो जाए, मेटल मतलब पॉजिटिव चार्ज कोई चीज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटल एक्सिस में कैसे हो सकता है, ये भी 2 तरीके से हो सकता है। पहली कैटेगरी क्या है कि हमारा उसमें पॉजिटिव आयन ज़्यादा कर दो, मतलब कैटायन ज़्यादा कर दो। दूसरी तरीके से कैसे हो सकता है कि उसमें अनायन हमारा, नेगेटिव आयन उसमें हमारा कम कर दो, उसको क्या बोलेंगे हम, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। उसके बाद आता है हमारा नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट का सेकंड, जो कि हमारा मेटल डेफिशिएंसी। मेटल डेफिशिएंसी मतलब मेटल कम हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कम हो रहा है, ये भी हमारा 2 तरीके से हो सकता है।
एक तो उसमें पॉजिटिव कम कर दो, और या फिर दूसरा तरीका कि उसमें नेगेटिव बढ़ा दो, तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव का रेशियो कम हो जाएगा। तो ये होगी हमारी मेटल एक्सिस और मेटल डेफिशिएंसी की बात। उसके बाद आते हैं हम स्टोइकोमेट्रिक पर। स्टोइकोमेट्रिक पर मैंने आपको क्या बताया कि रेशियो हमारा क्या रहता है, सेम रहता है। तो स्टोइकोमेट्रिक हमारा चार कैटेगरीज में डिवाइडेड है, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, शॉर्टकी और फ्रेंकल। देखिए वैकेंसी और इंटरस्टिशियल ये होता है नॉन आयनिक सॉलिड के लिए, जो हमारे आयनिक नहीं होते सॉलिड उनके लिए हमारा ये डिफेक्ट होता है। वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है कि हमारा लेटेस्ट पॉइंट पे जो एटम है वो क्रिस्टल को छोड़ के कहीं बाहर ही चला जाए, वो अपना घर छोड़ दे, अपने लेटेस्ट पॉइंट को छोड़ दे और वैकेंसी वहाँ पे क्रिएट हो जाए, उसको बोलते हैं हम वैकेंसी डिफेक्ट। और ये किस वजह से होता है, जब हम क्रिस्टल को बहुत ज़्यादा हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पर, उसकी वजह से हमारा वैकेंसी डिफेक्ट ये क्रिएट होता है। उसके बाद आता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है कि अगर क्रिस्टल में लेटेस्ट पॉइंट अपनी पोजिशन को छोड़ के क्रिस्टल में ही जो हमारा वॉइड है, जो हमारा इंटरस्टिशियल साइट है, खाली जगह है, उसको ऑक्यूपाई कर ले, मतलब अपनी लेटेस्ट पॉइंट जो है लेटेस्ट पोजीशन को छोड़कर, अपनी पोजीशन को छोड़कर वॉइड को ऑक्यूपाई कर ले, इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर ले, उसको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। उसके बाद आता है शॉर्टकी और फ्रेंकल। ये हमारे दोनों होते हैं आयनिक क्रिस्टल के लिए, आयनिक क्रिस्टल में आयन्स इंक्लूड होते हैं, तो शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। शॉर्टकी क्या होता है कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड अनायन मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल, मतलब अगर हमारे क्रिस्टल में से इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और अनायन मिसिंग होंगे, मतलब क्रिस्टल से बाहर ही चले जाएंगे, अपना घर छोड़ के चले जाएंगे और फिर वापस नहीं आएंगे, उसको हम बोलेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट। तो जब वापस नहीं आएंगे, घर छोड़ के चले जाएंगे, तो उसके क्रिस्टल की डेंसिटी कम होगी नहीं होगी, तो इसमें क्या होती है, शॉर्टकी डिफेक्ट में हमारी डेंसिटी कम होती है। और ये डिफेक्ट कौन शो करते हैं, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 या मोर देन 6 होता है। इसका एग्जांपल होता है NaCl हमारा, KCl, CSCl, ये हमारे शॉर्टकी डिफेक्ट के एग्जाम्पल होते हैं। उसके बाद आता है फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट होता है हमारा अगर हमारा कैटायन, वो भी स्मॉलर कैटायन, अपनी लेटेस्ट पॉइंट को छोड़कर वॉइड ऑक्यूपाई कर ले, इंटरस्टिशियल साइड ऑक्यूपाई कर ले, तो उस डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, फ्रेंकल डिफेक्ट। क्या बोलेंगे, फ्रेंकल डिफेक्ट। और ये किन में होता है, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर लेस देन 6 होता है, उसमें कौन सा डिफेक्ट होता है हमारा, फ्रेंकल डिफेक्ट। इसका एग्जाम्पल है हमारा ZnS, जिंक सल्फाइड, या फिर हमारा AgBr भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। उसके बाद आती है हमारी F सेंटर की बात, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था, F सेंटर या फिर फारबे सेंटर। फारबे सेंटर हमारा क्या होता है, अनायनिक वैकेंसी विद ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो मेरा अनायन निकल रहा है, तो अनायन वैकेंसी क्रिएट करेगा, अनायन ने अपनी जगह छोड़ दी, तो अनायन की वैकेंसी होगी, और उस वाली वैकेंसी होगी, तो चार्ज हमारा बिगड़ गया भाई, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, नेगेटिव चार्ज हमारा क्रिस्टल में कम हो गया, तो उस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए बाहर से इलेक्ट्रॉन आता है, जिससे हमारा चार्ज न्यूट्रलाइज रहे, तो उसकी जगह पे क्या आके बैठ जाता है, इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाता है, उसको बोलते हैं अनायनिक वैकेंसी विद ट्रैप इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाता है अनायनिक वैकेंसी की जगह, और उस इलेक्ट्रॉन ट्रैप की वजह से क्रिस्टल में कलर इम्पार्ट होता है, क्रिस्टल हमारा कलरफुल दिखने लगता है। किसकी वजह से, एफ सेंटर या फिर फारबे सेंटर की वजह से। और इसके पीछे की हमारी जो मैकेनिज्म होती है वो क्या होती है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, जो हमारा ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन होता है, वो क्या करता है, बाहर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है, और जब एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा तो वो एक ट्रांजिशन देगा, और ट्रांजिशन की वजह से हमारा कलर आता है। तो इस तरीके से हमारा एफ सेंटर जो है हमारा कलर प्रोड्यूस करता है, हमारे आयनिक क्रिस्टल में कलर इम्पार्ट करता है। तो ये था हमारा सॉलिड स्टेट का पूरे चैप्टर का एग्जाम डोज। अगर आपने चैप्टर को बढ़िया से समझा है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, तो ये एग्जाम डोज आपके समझ आया होगा। और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, सॉलिड स्टेट चैप्टर के मेरे लेक्चर्स नहीं देखे, डायरेक्ट एग्जाम डोज पे पहुँचे हैं, तो यकीन मानो आपको ये एग्जाम डोज वाला लेक्चर बहुत कम समझ में आया होगा। तो इसलिए पहले लेक्चर्स जाके देखें, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसके बाद एग्ज़ाम डोज को देखें। और ये एग्ज़ाम डोज आपका बहुत एडवांटेज देने वाला है आपके एग्ज़ाम्स में। तो आज के लेक्चर के लिए मेरी तरफ से इतना ही। आपका ये चैप्टर सॉलिड स्टेट मेरी तरफ से पूरी तरीके से फिनिश होता है, जितना मैंने आपको करा दिया है बहुत इनफ है ये, और कुछ आपको पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने सारे क्वेश्चन की, एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है। अगर फिर भी आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है,
तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आप वो क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा और जितने भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन की PDF बना के मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको डाल दूंगा और वहाँ से आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया हुआ है मैंने, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी आप ऐड हो सकते हैं, उसका भी लिंक मैं इसमें डाल दूंगा। अगर आपको बैक लेक्चर्स देखने हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। तो मेरी तरफ से इतना ही, पूरी मेहनत कर रहे हैं हम, 100% आपको अपना दे रहे हैं, आप भी अपना 100% दीजिए। हम सिर्फ आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम में बढ़िया मार्क्स लाएँ, वही हमारी सबसे बड़ी सफलता होगी। तो पूरी मेहनत कीजिए, आप एग्ज़ाम के लिए सफल हों, बहुत अच्छे से पढ़ें। आप ऐसा आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग। और अगर आपको ये चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होगा, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे चैनल से ऐड हो पाएंगे और हमको भी मोटिवेशन मिलती है कि हम बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम अच्छा कर सकते हैं उससे ज़्यादा अच्छा करें। तो प्लीज़ इस चैनल को जितना हो सके आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए जिससे मेरे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।